हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल, आपका दोस्त। फ्रेंड्स, वंस अगेन नोटिफिकेशन ICAI ने जारी करी है और ये नोटिफिकेशन अब भी आई है और इस नोटिफिकेशन में बिल्कुल ही क्लियर सारी बातें कह दी गई हैं ICAI की तरफ से। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे थे स्टूडेंट्स के, कि एग्ज़ाम्स कुछ देना चाह रहे थे, कुछ एग्ज़ाम्स को अवॉइड करना चाह रहे थे, सिचुएशन दोनों तरफ से सही थी, दोनों की बातें सही समझी गई हैं और गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस और जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग भी इन्होंने बात की हैं। और जो बच्चे एग्ज़ाम अपीयर करना चाह रहे हैं उनके लिए भी डोर्स इन्होंने ओपन कर रखा है, और जो चाहते हैं कि नहीं वो आगे बढ़ाएं, अभी फ़िलहाल उनके लिए फिजिबल और पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम में अपीयर होना, तो इससे बेहतर बात नहीं हो सकती थी। दोस्तों, ये मेरी राय है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और आगे भी इन्होंने कहा है कि जो फर्दर एक्सटेंशन चाहते हैं वो फर्दर एक्सटेंशन करा सकते हैं, जो ये ऑप्ट करना चाहते हैं कि वो इसे टर्म एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, और उन्हें भी एक डेडलाइन दे दी गई है, एक पर्टिकुलर डेट 17th की दे दी गई है, 17th to 20th ऑफ दिस मंथ दे दी गई है, और उन्हें अपने ऑप्शंस को क्लैरिफाई करना होगा। फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से इस पैंडेमिक सिचुएशन में ICAI के सामने भी बड़ी विकट समस्या थी, और इस विकट समस्या से निपटने का जो इन्होंने रास्ता ढूंढा है, मेरे ख्याल से ये काबिल तारीफ़ है और इनकी सराहना होनी चाहिए। दोस्तों, जहां तक बात है कि कुछ भी क्रिटिसिज्म करने की, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, लेकिन यहां मुझे नहीं लगता कि कोई भी क्रिटिसिज्म का मैटर है। तो आप लोगों को भी ICAI के इस डिसीज़न का एप्रिशिएशन करना चाहिए, इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपने रिएक्शंस देने चाहिए और जो भी आपने डिसाइड किया है वो करना चाहिए। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने ऑप्ट नहीं करना है, एग्ज़ाम नहीं देना है, उन्हें पढ़ाई जारी रखनी चाहिए, इसके बारे में भी कहा है ICAI ने, और उनके लिए सारे ऑप्शंस खुले रखे हैं। और जिन लोगों ने एग्ज़ाम देना है उनके लिए भी कोई वैसी बात नहीं कही गई है। तो फ्रेंड्स, इससे बेहतर कोई बात हो नहीं सकती थी, और मुझे ज़्यादा कुछ कहने लायक इस वीडियो में है नहीं है। तो मैंने ये कहना है आप लोगों से विनम्र निवेदन है मेरा कि प्लीज़ अब आप अपना डिसीज़न ले सकते हो बहुत ही ओपन हार्टेडली, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं, और इन्जॉय करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।